कैसी होगी? डायमंड कट शेप में इसका डिजाइन है। डिजाइन, ये डिजाइन कई पहले भी कंपनीज यूज कर चुकी हैं, लेकिन हर कंपनी का अपना एक स्टाइल होता है। और एफएनडी ने इसको यूज किया है, बहुत स्मूथ यूज किया है, बहुत खूबसूरत यूज किया है। एफएनडी की प्रोडक्ट्स आप लेकर आएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि कितनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। स्टैंडर्ड क्वालिटी की आरसी टू ऑक्स के बिल है जो इसमें से निकली है। स्टैंडर्ड क्वालिटी है, स्टैंडर्ड में आ रहे, जितना गेज होना चाहिए वो गेज है इसका, जबरदस्त। इसको मैं अपने पास से 10 में से 10 नंबर देता हूँ। सेकंड, इन्होंने जो इसमें रिमोट दिया है, रिमोट इन्होंने एक अपना पैटर्न बनाया हुआ है जो नॉर्मल रेंज अंडर 10,000 है, उसमें एक सेम यही पैटर्न का ये लोग रिमोट देते हैं एफएनडी वाले। इसमें बेस टेबल नहीं होती है, इसके अलावा तमाम तरह फीचर्स होते हैं। स्टैंडर्ड साइज है, प्लास्टिक का मटेरियल बहुत अच्छा है और बिल्कुल लो क्वालिटी का नहीं है, मीडियम क्वालिटी का रिमोट है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। एफएनडी का आपको लोगो नजर आ जाएगा इसमें। एफएनडी के हर मॉडल में से आपको ये एक बैटरी का पेयर निकलेगा जो रिमोट के लिए होता है। सेकंड, इसमें से जो एक चीज निकलती है वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है और इस्तेमाल करना चाहिए, या शायद कुछ लोग इस्तेमाल करते होंगे, मैं सबके लिए नहीं बोलता ये बात। इसमें से जरा मैनुअल निकले हैं 3 लैंग्वेजेस के अंदर, या देख सकते हैं 3 लैंग्वेजेस के अंदर इसमें से ये निकले हैं मैनुअल, और बहुत बड़ी बात है कि 3 लैंग्वेजेस इसमें निकले हैं। प्रोडक्ट ये इंटरनेशनल है और इंटरनेशनली मेयार की प्रोडक्ट है एफएनडी। ठीक है जनाब, इसके वूफर की बात कर लेते हैं। वूफर की जो टेक्सचर यूज किया गया है वो ग्लॉसी है, और जो इंटरनेशनल एक मेयार है, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, जिस पे टेक्सचर जो यूज होना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ होता है, कि कोई किसी किस्म की इसमें ग्रेन्स नहीं है, किसी किस्म के इसमें डॉट्स नहीं है, बारीक बारीक से बिल्कुल स्मूथ है टेक्सचर, बहुत खूबसूरत टेक्सचर इस पे फिनिश तरीके से जो है वो लगा हुआ है। और जनाब इसमें अगर देखा जाए तो इसके हेड के ऊपर कंपनी ने जो है हेड के ऊपर इन्होंने इसका यूएसबी का पैनल दे दिया है। मैं आपको करीब आकर दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर सेटेलाइट से इसके खोलते हैं। देखें जनाब, ये इसके डायमंड कट्स आ गए, इसमें इसकी इसके साइड पर वूफर है, और ये इन्होंने प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया है। ये इसकी स्क्रीन है, एलईडी है, और डायमंड कट शेप है, खूबसूरत शेप है, आपको वूफर नज़र नहीं आएगा अंदर किस जगह पर है। और एफएनडी का लोगो आ गया है। ये इसके वॉट्स आ गए, इसके वॉट्स 42 वॉट्स बता रहा है, आरएमएस। ये A180X मॉडल है, कंपनी एफएनडी है। ये इसके तमाम तर इसके फंक्शंस आ गए, ये जो आप देख रहे हैं इसको चलाने का तरीका ये पूरा लिखा हुआ है। और ये इधर इसके वॉट्स की डिटेल है कि इसमें कितने ओम का ट्यूटर यूज़ किया है, कितने ओम का इसका वूफर यूज़ किया गया है, और कितने वॉट्स का इसका स्पीकर्स हैं, वूफर है, तमाम तर डिटेल्स जो है वो इसमें लिखी हुई हैं, कितना पावर कंजप्शन कर रहा है ये। अच्छा जनाब, ये इसका ऑन ऑफ़ आ गया है। ऑन ऑफ़ के बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और परफेक्ट क्वालिटी है, जैसी होनी चाहिए। आपने अगर कंटिन्यू भी यूज़ करेंगे तो ये बटन ख़राब नहीं होगा। सेकंड, ये इनपुट आ गई है सोर्स, और ये आउटपुट सोर्स आ गई, और बेस का इन्होंने वॉल्यूम दिया है। बेस का वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड साइज़ का है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है जो ऑडियो के स्टैंडर्ड्स होते हैं वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल ओके। और पावर केबल एफएनडी बहुत अच्छी यूज़ करता है और अपने लोगों के साथ यूज़ करता है। और इसका प्लग जो है वो अच्छा है, हैवी प्लग है, नॉर्मल नहीं है। इसका रेट प्राइस अपडेट मैं आपको वीडियो के शुरू में दे चुका हूँ, आप दोबारा वीडियो शुरू से देखिएगा अगर आपको प्राइस अपडेट नहीं पता है तो। ये बैक पर आ जाएं जनाब, बैक पर इन्होंने बिल्कुल स्मूथ प्लेन दिया है पूरा बैक इसका, और ये इन्होंने इसमें कट दे के और अंदर वुडन का इन्होंने पाइप दिया है जो इसकी बेस को और इन्हेंस करेगा। और ये अक्सर जो इंटरनेशनल जो मॉडल्स होते हैं, पायनियर के डैक्स होते हैं, सोनी के डैक्स होते हैं, तो ये इंटरनेशनल में जो है ये
इसी तरह से होल होता है, इसमें किसी किस्म की ग्रिप लगी हुई नहीं होती है। ग्रिप लगा देते हैं तो अच्छी बात है, ये टेक्सचर यहाँ से उखड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता। लेकिन नहीं लगाया तो चलें कोई बात नहीं, वैसे भी खूबसूरत लग रहा है, औसम लग रहा है। ये साइड है इसका आ गया, ये इसके नीचे के फुट्स आ गए। वूफर तो ठीक है, खूबसूरत है। मेन चीज़ आप जब प्रोडक्ट कोई परचेज करते हैं तो उसकी खूबसूरती भी होनी चाहिए उसके अंदर। तो हम तो वही चीज़ नोट करते हैं कि आइटम खूबसूरत भी हो और पायदार भी हो चलने में, तो फिर तो ज़बरदस्त मज़ा आ जाता है अगर ये दोनों किस्म दोनों चीज़ें मिल जाएं। अच्छा जनाब, अब इसका स्पीकर बाहर निकाल लेते हैं। स्पीकर भी इसका डायमंड कट शेप में है और स्पीकर जो है इसका तकरीबन आप देख सकते हैं। और स्पीकर की जो बैक पर है एफएनडी की, ये अच्छी बात है इसकी। जितने भी मैंने स्पीकर्स देखे हैं ये वॉल माउंट दे रहे हैं तमाम सेटेलाइट्स में। ये जान छूट जाती है ना, ये बॉडी में लोग चिपकाते हैं, कोई होल कर रहा होता है टूट जाती है बॉडी। तो ये ज़बरदस्त सिस्टम है कि वॉल माउंट इनके तमाम तर स्पीकर्स में आता है। एफएनडी का लोगो आप देख लें। इसका साउंड टेस्ट आपको सुनना हो तो हमारे इसी चैनल पर एडॉन वेब टीवी पर आप इसके साउंड टेस्ट की वीडियो देख सकते हैं। और इसी के मॉडल नंबर से लिखी भी होगी A180X FND साउंड टेस्ट, वो आप लिखेंगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। और इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी डिटेल लगा देंगे, लिंक लगा देंगे, आप वहाँ से भी चला कर देख सकते हैं। बिल्कुल जनाब, ये आ गया आपका। ये प्लास्टिक मटेरियल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ज़्यादातर कंपनीज प्लास्टिक मटेरियल में यूज़ कर रही हैं इसको। और बॉडी जो है वो MDF जो है वो 8 mm, 10 mm, 12 mm ये यूज़ किया जा रहा है इस वक्त। इसका जो MDF है वो तकरीबन 6 या 7 mm का है। ओके जनाब, ये USB पर आ गया है और इसने अपना ओके। कोई लाइट नहीं है, प्लेन है बिल्कुल सेट, ये विदाउट लाइट है। और वीडियो मज़ीद देखने से पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद आपके पास वीडियोज़